गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बेटा हम आपकी इंग्लिश की बुक जो बिहेव बुक है उसका चैप्टर 3 आज से स्टार्ट करेंगे, द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची। बिफोर यू रीड, आप ये चैप्टर पढ़े उसके पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो यूर पेरेंट्स बेटर नाउ देन When you were much younger, perhaps you now understand reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अब आप ऐसा सोचें कि आपके पेरेंट्स अभी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आप ऐसा क्या सोचें कि आपके पेरेंट्स अब आपसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता है क्योंकि आपके घर में भी फिर आपसे छोटे होते हैं, तो आप उन्हें रोकते हैं या टोकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो हमें रोकते हैं या टोकते हैं तो वो हमें कब समझ आता है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। तब आपको लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स कैसे थे, बिल्कुल सही थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हूज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग वेल प्रोबेबली फाइन एंड इन एवरी होम। अब यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी बताई गई है जो अपने पापा से हमेशा डरी डरी और सहमी सहमी ही रहती थी, तो उसका व्यवहार अचानक से कैसे बदल जाता है, वो कैसे अपने पापा को समझने लगती है। जैसे कि हर घर में होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं, अपने पापा से डरते हैं, तो वो बच्ची भी सबसे ज़्यादा किससे डरती है, अपने पापा से डरती है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। अब एक छोटी बच्ची जो कैसी है, बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है और हमेशा क्या करती है, अवॉइड करती है, नज़रअंदाज करती है। फिगर ऑफ टू बी फियर का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो हमेशा कैसा रहता है, डरा हुआ रहता है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर सुबह जब वो काम पे जाते हैं तो उसके पहले उस बच्ची के रूम में आते हैं। अब कौन आते हैं यहाँ पे, एवरी मॉर्निंग बिफोर ही कम, ही का मतलब क्या हुआ, उस बच्ची के पापा। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और आकर उसे नॉर्मल जैसे छोटे बच्चों को किस किया जाता है वैसे ही करते हैं, लाड़ करते हैं जैसे हम कह सकते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और वो उस लाड़ उस प्यार को सिर्फ क्या कहकर बोल देती है, गुड बाय पापा कह के, और उन्हें जाने के लिए कह देती है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सीन टू रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ अ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड अ फेंटर डाउन लॉन्ग द रोड। अब क्या होता है, वो बच्ची अपने पापा से इतनी ज़्यादा डरी रहती है कि वो पर्टिकुलरली उन्हें रिस्पॉन्ड भी नहीं करती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम अप शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। अब शाम को जब उसके पापा वापस आते हैं तो वो सीढ़ियों के पास ही खड़ी रहती है और वहीं खड़ी होकर अपने पापा की बहुत ऊंची सी आवाज़ सुनती है। अब वो आवाज़ क्या होती है, उसके पापा आकर क्या कहते हैं, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राॅइंग रूम। मेरी जो चाय है वो ड्राॅइंग रूम, मतलब जहाँ बैठने का कमरा होता है, वहाँ पे लेकर आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, और फिर वो क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑफिस से इंसान आता है तो वो थोड़ा सा थका हुआ है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो वो फिर चाय मंगाते हैं और क्या कहते हैं कि पेपर भी क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एन अ सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड अ ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। अब जो मदर हैं वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि जाओ जाकर देखो पेपर आया है या नहीं, और मेरे स्लीपर्स मुझे दे देते हैं। केजिया, अब उस बच्ची का नाम क्या था, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, और उसकी मदर उसे केजिया कह के ही बुलाती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड अ टेक ऑफ द फादर्स बूट, और वो क्या कहती हैं कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने पापा के जूते निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड अ पुश ओपन द ड्राॅइंग रूम डोर। अब वो बच्ची इतनी ज़्यादा डरती है अपने पापा से कि उसकी मम्मी जब उसे ऐसा कहती हैं तो वो बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर आती है, और उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे चल के वो हॉल को पूरा क्रॉस करते हुए कहाँ एंटर करती है, ड्राॅइंग रूम में एंटर करती है और जाके दरवाजे को धक्का देती है। पुश करना देर से क्या होता है, अंदर की तरफ धकेलना। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the girl, little girl.
अब उसके पापा चश्मा लगाते हैं, जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं वो चश्मा थोड़ा सा नीचे नाक पे करके आंखें ऊपर करके देखते हैं दूसरों को, तो वैसे ही उस बच्चे के पापा ने किया। तो वो जिस तरीके से देखने का उसका पापा का तरीका होता है उससे वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है। वेल केजिया हरी अप एंड अ पुल ऑफ दीज बूट्स एंड अ टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और क्या कहते हैं फिर उसके पापा कि कम यहाँ पे आओ, बहुत अच्छे शाबाश केशिया, अब जल्दी से आओ और इन जूतों को निकालो और बाहर जाके रख दो, आज तुम एक अच्छी बच्ची की तरह काम करो। आई डोंट नो फादर, अब वो क्या कहती है डरते हुए लड़खड़ाती सी आवाज़ में कहती है कि पापा आई मुझे नहीं पता। यू डोंट नो If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. अब उसके पापा यहाँ पे थोड़ा सा उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि अगर तुम रुक रुक के बोलोगे पापा पापा मुझे नहीं नहीं पता ऐसे करके बोलोगी तो फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें किसके पास लेकर जाएगी, डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। यहाँ पे पापा को क्या लगता है कि उनकी बेटी थोड़ी सी हकला कर बोलती है। शी नेवर शटर्स विथ अदर पर्सन सॉरी पीपुल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। अब वो बच्ची कभी भी अपनी ज़ुबान को लड़खड़ा कर किसी से बात नहीं करती, ना कभी हकला कर बात करती, लेकिन सिर्फ अपने पापा से ही ऐसे डर डर के हकला कर बात करती है। और वो कोशिश पूरी करती है कि वो पूरे पूरे शब्द बोले लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ निकलती ही नहीं है। What's the matter? What are you looking so wrenching about? अब व्रेंच्ड का मतलब क्या होता है दुखी से, तो उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ ऐसे दुखे हुए से मुंह से साथ क्यों खड़े हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन अ ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी माय टीकअप बैग टू द टेबल केयरफुली। अब वो क्या कहते हैं आगे उसकी मदर कि मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि आप इसे सिखाएं कि ये इतनी उदास उदास सी ना रहे, ऐसा लगता है मानो खुदकुशी किए जा रही हो। और वो फिर क्या कहती है कि केजिया इधर आओ और ये टेबल तक वापस ये चाय का कप लेकर ध्यान से चले जाओ। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही ऑड थिंकिंग अबाउट हिम ऑल्सो लाइक वॉज लाइकिंग थिंकिंग अबाउट द गेंट। अब यहाँ पे बच्ची अपने पापा का डिस्क्रिप्शन देती है कि उसको उसके पापा कैसे लगते हैं, तो वो क्या बोलती है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके हाथ और उनकी गर्दन भी बहुत ज़्यादा बड़ी, और स्पेशली उनका जो मुँह है जब वो उबासी लेते हैं ना तब तो और ज़्यादा भयानक लगता है। और अब उनके बारे में सोचती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े से जीव के बारे में सोच रही हो। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से किसी बच्चे का चैप्टर 1 चैप्टर 2 और दोनों की पोयम अगर छूट गई है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको समझ सकते हैं।